वो तथ्य अपने आप में स्पष्ट है। ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक की थी। उन्होंने कुछ साल पहले सुल्तान अंसारी और बाकी लोगों के साथ इसको बेचने के लिए एग्रीमेंट टू सेल कर लिया था। कुछ साल पहले किया था तो उस समय के बाजार भाव पे किया था, जो 2 करोड़ रुपए था। ट्रस्ट को यह जमीन बहुत उपयोगी लगी। कुसुम पाठक इसको बेचने को तैयार थी, पर वो इसको बेच नहीं सकती थी क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल था। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन त्रिपाठी भी इसको बेचने को तैयार थे, उनके पास एग्रीमेंट टू सेल नहीं था। इन चारों की सहमति के बगैर ये हो नहीं सकता था। तो ये मिलके सहमति बनी कि पाठक अंसारी को ये जमीन बेच दे। और ये एग्रीमेंट क्योंकि 2 करोड़ का था उस समय के बाजार भाव का, इसलिए ये सौदा 2 करोड़ में हो गया। ट्रस्ट ने सर्वे किया, जब से राम मंदिर का फैसला आया है और जब से नई अयोध्या बनने का उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, तब से वहाँ जमीनों के भाव बढ़े हैं। सर्कल रेट का कुछ रेलेवेंस नहीं रह गया है। ट्रस्ट को लगा कि 18.5 करोड़ का जो वर्तमान भाव है उससे कम है ये, इसलिए 18.5 करोड़ में खरीदा। 2 करोड़ इसलिए कि वो उस समय का भाव था, 18.5 करोड़ इसलिए कि ये बाजार भाव है। इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं, सबका सब कैश ट्रांजेक्शन है, और इसलिए इसमें लॉन्डरिंग का कोई सवाल कहीं से उठता नहीं है। कुछ लोगों का स्वभाव है कि झूठे आरोप लगाओ, मामला कोर्ट में जाए, और कोर्ट में जब बढ़े तो माफी मांग लो। हमने तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए, और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा डील ट्रांसपेरेंट है, वेल कंसिडर्ड है, स्वस्थ है, और जो लोग राम जी से द्वेष करते हैं, राम मंदिर से द्वेष करते हैं, राम जी के आंदोलन का विरोध करते रहे, और आज जिन्होंने ज्वाइन किया है प्रियंका जी, उनकी पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम जी हैं ही नहीं, ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे वो, मिथिकल हैं। ऐसे लोगों की आलोचनाओं से न विश्वसनीयता कम होगी न सत्य पराजित होगा। एक तरफ क्या चंपत राय जी ने भी क्लैरिफिकेशन किया है कि इसकी राजनीति हो रही है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, इसलिए कुछ भ्रम पैदा करना, कुछ झूठ बोलना, उस झूठ को बेशर्मी से दोहराना। मैंने आपको कहा कि प्रियंका जी की पार्टी जब पावर में थी तो उन्होंने राम जी को ऐतिहासिक महापुरुष मानने से इनकार करने वाला एफिडेविट दिया। मैंने आपको विस्तार से बताया है कि तथ्य स्पष्ट है, और संजय सिंह जी के खिलाफ, बाकी भी जिनके खिलाफ ठीक समझेंगे, मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। सर तो आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसलिए इन सब बातों को लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है? मुझे यही लगता है। और ये कौन सी राजनीति है जो झूठ के आधार पर होती है? इतना अस्वस्थ मन से तो काम नहीं होता। Allegation are on lands that Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra has purchased so far have been bought at a price much less than open market price. Secretary of Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Champat Rai ji clarified this. Yes. In fact, the documents presented by Sri Sanjay Singh in the press conference revealed the truth. The land was owned by Kusum Pathak and Harish Pathak. A couple of years back, they agreed to sell it to Sultan Ansari and others by a registered agreement to sell it. The price of it at
the price of it as prevalent at that time, the market price was rupees 2 crores. So obviously the agreement to sell was for rupees 2 crores. The land is important for the trust. The trust decided to purchase it. The Pathaks could not sell it alone because of the agreement to sell. The Ansaris could not sell it to us because they did not have a sale deed. So all the three parties agreed that Kusum Pathak, as she was bound to do, would execute a sale deed in favor of Ansari for the price agreed, 2 crores. And the trust made its own survey. After the judgment in the Ram Janmabhoomi case and the construction of new Ayodhya by UP government, it is common knowledge that the land prices have gone sky high. And the trust found that a deal at 18.5 crores is a bit below the current market price. All the transactions are done through banks. No cash is involved and no cash involvement is alleged. The deal is up and up. There are people who make motivated and false allegations out of political spite. There are elements who right from the 1984 or 1948 have been opposing the Ram Janmabhoomi movement. I do not know if Priyanka is misguided or is deliberately made a false allegation. We have suggested that defamation proceedings be started against Shri Sanjay Singh and others, and this time the matter be not left at obtaining an apology from them, but to be taken to its logical end. Sir, what do you think? Why this allegation all of a sudden happened? One of the reasons could be the upcoming UP election. They are trying to create some doubts, some misunderstandings about the integrity of the trustees. The trustees are people who have spent a lifetime in the service of this nation, never wanting anything to return. The people have confidence in them, and such tactics would not succeed.